मध्य प्रदेश में चुनाव पास में है तो बीजेपी ने बेरोजगार युवाओं को साधने के लिए शिवराज सिंह की महत्वाकांक्षी योजना सीखो कमाओ भोपाल से लॉन्च कर दी। वहीं इसी दौरान भोपाल में सैकड़ों युवा भीषण गर्मी के बीच सरकारी टीचर बनने का सपना लिए प्रदर्शन करते दिखाई दिए। भोपाल की ये दो तस्वीरें महज इत्तेफाक है या फिर सत्ता से नाराजगी की सोची समझी नुमाइश। एक तरफ शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए सीएम शिवराज ने सीखो कमाओ योजना लॉन्च की, तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय के सामने एमपी के अलग अलग जिलों से आए सैकड़ों चयनित शिक्षक तपती सड़क पर नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। चुनावी साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीखो कमाओ योजना को लॉन्च किया, शिक्षित बेरोजगारों के लिए भत्ता देने की घोषणा की। क्या तुम बेरोजगारी भत्ता लेना पसंद करोगे? अरे जोर से बताओ। ये ऐसी चीज है जो परमानेंट सोल्यूशन नहीं देती, तो हम हाथ फैलाएंगे। इस योजना के तहत 12वीं पास युवाओं को 8000 रुपए महीना, आईटीआई किए युवाओं को 8500 रुपए महीना, डिप्लोमा धारी को 9000 रुपए और इससे ज्यादा शिक्षा प्राप्त ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 10000 रुपए महीना दिया जाएगा। लाडली बहना के बाद युवा शिक्षित बेरोजगारों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिसमें सीखो कमाओ जिसका नाम दिया गया है, जिसके तहत जो युवा जो बेरोजगार हैं शिक्षित हैं जिनको अब सरकार एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए हर एक महीने पैसा देगी और ट्रेनिंग भी कराएगी। इसको लेकर एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में, इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया गया है। सरकार की इस योजना के तहत जिन प्रतिष्ठानों में युवा काम करेंगे उनकी और प्रदेश सरकार के बीच ऑनलाइन अनुबंध किया गया है। युवाओं को स्टाइपेंड की राशि उनके बैंक अकाउंट में डीपीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दी जाएगी। अलग अलग इंडस्ट्रीज, केवल इंडस्ट्रीज नहीं, सर्विस सेक्टर, केवल सर्विस सेक्टर नहीं, अलग अलग व्यावसायिक प्रतिष्ठान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, ऐसे हमने 700 काम छांटे हैं। जो 700 काम करने अलग अलग प्रतिष्ठान जहाँ चाहेंगे, दोनों के बीच में एक पोर्टल बन रहा है। इन्हें अपने आप की वैकेंसी ये निकाल रहे हैं और प्रकाशित भी कर दी है कि हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी है। एक तरफ तो सीएम शिवराज युवाओं को नौकरी के लिए तैयार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भोपाल में बीजेपी कार्यालय के सामने सैकड़ों भांजे भांजियां गर्मी से तपती सड़क पर नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में अलग अलग मांगे उठ रही हैं और सबसे बड़ी बात है आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तरफ जहां चयनित शिक्षक हैं जिनका सिलेक्शन हो गया था, संविदा वर्ग 3 के शिक्षक हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, तो ज्वाइनिंग को लेकर मांग करते हुए यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि आज ही बीजेपी की कोर की बैठक होनी है लेकिन इससे पहले इस तरह का धरना आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए जो चयनित शिक्षक हैं वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं। 52 जिलों से आए हुए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने 51,000 प्राथमिक शिक्षक पदों पर भर्ती की मांग को लेकर बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के नतीजे 2022 में घोषित हुए थे जिसमें करीब 1,90,000 उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की थी लेकिन भर्ती सिर्फ 18,000 शिक्षकों की ही हुई। हमारी मांग ये है अभी नाम मात्र के पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया हुई है, अभी नाम मात्र को उसको बढ़ाकर 51,000 किए जाए। हम एक महीने से भूख हड़ताल पर है, अगर हमारी मांग पूरी हो जाए तो हम आमरण अनशन करेंगे। हम सभी लोग क्वालिफाई हैं, 52 जिलों से हम लोग आए हैं। मामा ने केवल 7,500 पदों पर भर्ती देकर यह प्रक्रिया पूर्ण कर दी है लेकिन ऐसे कैसे पूर्ण मान ले हम भी, जब तुम 18 साल तक हमारे पास वोट मांगने आ सकते हो तो हम तुम्हारे पास भर्ती मांगने क्यों नहीं आ सकते। सीएम की योजना से युवाओं में उत्साह तो दिखा लेकिन मन में ये सवाल भी आया कि कहीं ये चुनावी तो नहीं और अगर सरकार बदल गई तो फिर नौकरी मिलेगी। सर मेरा एक क्वेश्चन था सरकार से, जिसे सरकार चेंज होती है तो ये जॉब नहीं दी जाएगी, दूसरी सरकार आएगी तो इस क्वेश्चन पे सरकार क्या राय रखती है अपनी?
क्योंकि ये सरकार तो मान लीजिए किसी कारण बस चली जाती है, वो कांग्रेस की सरकार आती है किसी अदर पार्टी की आती है, तो ये योजना बंद हो जाएगी फिर तो। मैं भी एक रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ, वो अप्रेंटिसशिप योजना जैसे ही है, एक साल करना है उसके बाद आपको छोड़ना है। आगे आप आगे योजना में बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, जॉब में आगे प्रोफाइल मिलती है कि नहीं मिलती है जॉब, तो उसके आगे क्या है, एक साल के बाद क्या है कि फिर बेरोजगार हो जाएगा व्यक्ति। आपकी सरकार रहेगी तो ठीक है, नहीं उसके बाद तो दूसरी सरकार आएगी वो आपको खत्म कर देगी। कांग्रेस ने सीएम शिवराज पर बेरोजगारों को धोखा देने का आरोप लगाया, लेकिन सरकार के मंत्री आरोप के जवाब में सीएम शिवराज की वाहवाही गाने लगे। आप एक तरफ नौजवानों को सौगात दे रहे हैं झूठी, वहीं आपके भाजपा दफ्तर के बाहर हजारों परिवार जो चयनित शिक्षक हैं नौकरी के लिए आपसे भीख मांग रहे हैं। यदि आप उन्हें नौकरी नहीं दे सकते हैं तो आपने वो परीक्षाएं आयोजित क्यों की थी? तो कितना धोखा देंगे आप प्रदेश की जनता को? अब 3 माह के लिए तो कम से कम आपको इस तरह की नौटंकियां बंद कर देनी चाहिए। हमारे सामने बड़े पैमाने पे शिक्षित बेरोजगारों की जो एक चुनौती रहती है, ऐसे में ये योजना निश्चित रूप से माइलस्टोन का काम करेगी कि जिसमें व्यक्ति को सीखते सीखते रोजगार मिलेगा और उसमें सभी सेक्टर को कवर किया है। इसमें स्किल के दृष्टि से जो संभावना बड़े पैमाने पे टूरिज्म भी है, इंडस्ट्री भी है और अन्य अन्य अलग अलग विभाग है जिन विभागों के माध्यम से जहाँ से जो सीखना चाहे प्रत्येक को मदद मिलेगी और खासकर रोजगार को प्राप्त करने के लिए स्किल डेवलप करने के लिए भी ये माइलस्टोन का काम करेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बस चंद महीने बाकी हैं, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। घोषणाओं के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चयनित शिक्षकों समेत तमाम बेरोजगारों का एक तबका ऐसा भी है जो इम्तिहान में पास होने के बाद भी नौकरी की बाट जोहने को मजबूर है। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल न्यूज 24।